नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के। कटनी बहुरीबंद ब्लॉक के किसान जो अधिकांश मौसम पर निर्भर रहते हैं और इस वर्ष औसतन वर्षा भी नहीं हुई, जिससे किसान बहुरीबंद के किसान अपनी धान की फसल खेतों से उखाड़ कर धान की फेरी लेकर कटनी कलेक्ट्रेट अपनी फसल बर्बाद होने की समस्या जिला प्रशासन तक बताने मंगलवार जनसुनवाई के माध्यम से बताने आए रहे। कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष गुमान सिंह ने किसानों का किया समर्थन। किसानों ने बीमा कंपनी के ऊपर धोखाधड़ी का लगाया आरोप। किसानों ने धान का मुआवजा और सूखा घोषित करने की मांग। आज का पूरा आंदोलन ओबीसी महासंघ बैना के तत्वाधान में किया गया किसानों के साथ। किसान नेता डॉक्टर एके खान भगवत यादव भी समर्थन में उतर गए। बहुरीबंद के समयाओं वाला ज्ञापन कलेक्ट्रेट के एसएलआर अधिकारी ने ज्ञापन लेकर सरकार तक पहचाने की बात कही। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी। जैसा कि आपको भी मालूम है कि कटनी जिले में 24% सामान्य वर्षा से कम वर्षा हुई। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 8 जिले ऐसे हैं जहां वर्षा कम हुई है, उसमें एक कटनी भी है। साधारण सी बात है कि जब 24% कम वर्षा हुई है तो सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया, धान सूख रही है, ये एक अलग मैटर है। खेत की नमी चली गई, जिसके कारण दूसरी फसल भी नहीं होगी, तो किसान दोनों फसलों में मारा गया। जहाँ तक सरकार की बात है, टोटल भ्रष्ट सरकार है, किसानों की विरोधी सरकार है। किसानों के हित में आज तक इस सरकार ने कभी कुछ किया ही नहीं। जहाँ तक मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ, मैं बहुत स्पष्ट बता दूँ कि चाहे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की जब सरकार थी, तब भी हम लोगों ने 72,000 करोड़ रुपया माफ़ किया था। आज जब कमलनाथ जी की हमारी सरकार थी 15 मई तक, तब भी हम लोगों ने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया है। ये बात मैं स्वीकारता हूँ सबके सामने कि सब किसानों का किन्हीं कारणों बस टेक्निकल कारणों से ये अधिकारी जो बीजेपी के शासन के बैठे थे, उन लोगों ने पूरा नहीं होने दिया। हमारे जो 2 लाख का किसान का कर्जा था, अंतिम जो हमारी किस्त जानी थी, वो किस्त सरकार इन लोगों ने बदल दिया और उसके बाद वो किस्त हम लोग नहीं दे पाए। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि यदि हमारी सरकार फिर आती है तो जिन किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हो पाया, उन किसानों का एक एक पाई माफ़ होगा। जहाँ तक आज की बात है, ये किसान अन्नदाता है हमारे ज़िला का, बहुत ज़्यादा भीषण किसानों के ऊपर मार पड़ी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इसका सर्वे हो, जिसका सूखा हुआ है पड़ गया उसका मुआवजा मिले, दूसरी फसल नहीं बोई जाएगी इसलिए उसको सूखा घोषित हो, और जो किसान प्रभावित हुआ है उस पर उनको मुआवजा मिले। क्षति तो हुई है, ये आप लोग देख रहे हो। ये धान नहीं है, धान का ये प्यार है। अब प्यार में धान नहीं उगने वाली, तो प्रत्यक्षम प्रमाणम किम, जब प्रत्यक्ष हो तो प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। मीडिया चौथा स्तंभ है इस देश का। आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि ये बात ये गूंगी बहरी लंगड़ी अंधी सरकार तक पहुंचाएं और इन किसानों को कम से कम इनका कर्जा माफ़ हो। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, विद्युत। चाहे किसान की बात करो, चाहे उद्योग व्यापारी की बात करो, चाहे आप मजदूर, हर व्यक्ति को, चाहे पढ़ने वाले लड़कों की करो, हर व्यक्ति को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विद्युत की। कटनी जिले में विद्युत व्यवस्था टोटल फेल हो चुकी है। लगभग 250 से 300 ट्रांसफार्मर पूरे जले हुए हैं और शासन पूरा मूक बना बैठा है। हम लोगों ने विज्ञप्ति दिया है, हम लोगों ने मांग किया है, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। मैं डॉक्टर का जो किसान नेता है, जिला पंचायत सदस्य है, और भी अब सब किसानों का प्रजातांत्रिक तरीके से जिस ढंग से वो आंदोलन कर रहे हैं, उनको पूरा कांग्रेस का समर्थन है 100%।